हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज की थी, जिसमें हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कवर अप कर ली थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब था कि उसकी शेप कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका अपियरेंस कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल का मीनिंग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मेलेबल मीन्स कि एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी जिसको वो शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मीन्स कि उसको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो बेसिकली वो उनको ना ही हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उनको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स कि वो बहुत ही वीक होते हैं। अगर उनके पास उनके ऊपर कंटिन्यूस उनको हैमर किया जाए, उन पर हथौड़ा मारा जाए जोर जोर से, तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, रादर वो टूट के बिल्कुल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उनका पीसेस चूरा चूरा बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो नॉन मेटल्स हैं उनको ना ही शीट्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ना ही उनको वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये बेसिकली जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये जितने भी हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनसे ऑपोजिट है। मेटल्स मेलेबल भी थे, डक्टाइल भी थे, ठीक है, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते थे। तो नॉन मेटल्स क्या हो गए, बिल्कुल ऑपोजिट। नॉन मेटल्स ना ही मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, और ना ही वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट उनको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने स्टेबल फॉर्म में आने के लिए। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये जो नॉन मेटल्स हैं, ना ही ये हीट कंडक्ट करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, ग्रेफाइट फॉर्म की। ठीक है, इंपॉर्टेंट आ जाती है एक्सेप्शन, कि जो कार्बन है जो ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मीनिंग इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो है बच्चों के अच्छे से एक बार पढ़ लेना, कई बार एक्सेप्शन का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि नॉन मेटल्स जो है ना ही लस्ट्रस होते हैं और ना ही सनोरस होते हैं। लस्ट्रस का मीनिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो शाइनी, लस्ट्रस मीन्स कि शाइनी। ठीक है, नॉन मेटल्स ना ही शाइनी होते हैं और ना ही सनोरस होते हैं। सनोरस यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि अगर उनको बीट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स दे डो नॉट हैव शाइनी अपियरेंस। इनका जो अपियरेंस होता है बहुत ही डल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कोल है, कोल का बहुत ही डल अपियरेंस होता है, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी शाइन नहीं होती है। ठीक है, इट मीन्स कि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन शाइनी होते हैं या नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसमें अब एक एक्सेप्शन आ जाती है आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका बहुत ही लश्वस अपियरेंस होता है। ठीक है, यानी कि जो आयोडीन है वो शाइनी, उसका जो अपियरेंस है वो शाइनी होता है। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते साउंड जब उनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाए। ठीक है, तो इससे हमारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाती है कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लश्वस होते हैं और नॉन सनोरस होते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, अब जिसमें एग्जांपल ऐसे सल्फर हैं, फॉस्फरस हैं, ये ऐसे सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल सॉलिड्स हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और इसमें अब एक एक्सेप्शन आ जाती है डायमंड की। ठीक है, डायमंड इज द ओनली नॉन मेटल जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होता है। सबसे जो यूनिवर्स में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल है दैट इज डायमंड। और डायमंड किसकी कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है। तो ये इसका एक्सेप्शन बन जाता है कि डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल है एंड इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट।
यानी कि वो सॉलिड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं एंड गैसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो नॉन मेटल सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो है कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस एंड आयोडीन, और जो नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज ब्रोमाइन। ठीक है, जो नॉन मेटल है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे हैव लो डेंसिटीज, यानी कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और उनकी डेंसिटीज भी कम होती है। डेंसिटीज यानी कि वो कम गहरे होते हैं, उनके अंदर जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो कम डेंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज ओनली 115 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 115 डिग्री सेल्सियस पे आके ही वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था उनके जो मेल्टिंग पॉइंट थे वो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस थे, अबव 1000 डिग्री सेल्सियस भी थे। ठीक है, तो उसको कंपेयर किया जाए तो नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। अब इसमें फिर से वही एक्सेप्शन आ जाती है कि जो ग्रेफाइट और डायमंड है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसलिए भी हाई होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं जिसमें सल्फर भी एक था, लेकिन जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई हो जाता है। ठीक है, जैसे ये ग्रेफाइट है, दिस इज ग्रेफाइट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी है वो कम होती है, इट मीन्स कि वो बहुत ही लाइट सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत ही हल्के सब्सटेंसेस होते हैं। अगर उनको वे किया जाए, उनको उठाया जाए तो बहुत ही लाइट सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना सकते हैं, और जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है ना ही वो बेसिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही वो एसिडिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी शो करता है। बेसिक ऑक्साइड्स कैसे बनते थे, ऑक्सीजन को मेटल के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते थे। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है ना ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, अब एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाया जा सकता है। ठीक है, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स में एग्जाम्पल ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि जो वाटर है ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर, नेक्स्ट इसमें आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। ठीक है, अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं ना ही वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि नॉन मेटल्स के पास हमने पीछे पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसको तो बेसिकली ऑक्साइड सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहिए होते हैं कंप्लीट होने के लिए। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता, जैसे वाटर है, वाटर में से अगर हाइड्रोजन को रिड्यूस करना है या निकालना है तो इसको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के पास तो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा नहीं होते, उसको तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स है वो इसको वाटर में से हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए वो वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जो नॉन मेटल्स है वो एसिड्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, दे आर एक्सेप्टर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनको खुद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन्स को वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ताकि वो एसिड में से रिड्यूस हो जाएं या एसिड में से अलग हो जाएं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को अपने सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़ी थी कि जो ऊपर प्लेस्ड होता है वो नीचे प्लेस्ड मेटल को रिड्यूस या डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलरली नॉन मेटल्स भी जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है उसको अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि वो एक सॉल्ट बनाता है प्लस ब्रोमाइड, यानी कि जो ब्रोमाइड है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में इक्वेशंस को। ठीक है, तो वेन एवर अ मेटल इज रिएक्टेड विद सॉल्ट सॉल्यूशन वो एक सॉल्ट बनाता है जो है जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेसिक सॉल्ट जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट इज फॉर्म प्लस ब्रोमाइड, यानी कि जो क्लोरीन है इसको हटा सके इसकी सॉरी ब्रोमाइन को हटा के उसकी जगह ले लेता है, यानी कि ब्रोमाइन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अब कोवेलेंट क्लोराइड्स का जो मतलब है कि क्लोरीन के जो एटम्स हैं, क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो शेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स है या तो वो वन पेयर में सिंगल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में शेयरिंग के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्ट करके कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसका मतलब है कि अगर उनको डिसॉल्व किया जाए, ठीक है, तो वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, यानी कि वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो कोवेलेंट क्लोराइड्स होते हैं ये बेसिकली गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है कि अगर हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, अगर उसको क्लोरीन की फॉर्म में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए, जो दोनों है यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये गैशियस फॉर्म में ही है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स बनाते हैं, जो ये भी गैशियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर इन गैशियस फॉर्म को वाटर के साथ, इन हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो ये क्या बनाते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, एसिड्स जो यानी कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन क्लोराइड्स होते हैं वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन क्लोराइड्स को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड्स को वाटर में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ठीक है, अभी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ग्लू बनाने के लिए, कॉमन सॉल्ट को प्यूरीफाई करने के लिए, ठीक है, ग्लूकोस बनाने के लिए, क्लोराइड्स बनाने के लिए जैसे अभी पढ़ा था, या ब्लीचिंग की फॉर्म में यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, यानी कि जो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है वो ब्लीच करती है कपड़ों को, यानी कि उनको कलर को रिमूव करने के लिए भी इन एसिड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, जो नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, वही कि जो हाइड्राइड्स हैं वो भी शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल है कि सल्फर जो है बीइंग अ नॉन मेटल इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यानी कि जो सल्फर है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है,
प्लस जो हाइड्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में हो रही है, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो भी है गैशियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये बहुत ही पॉइजनस होता है, इट्स वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। ये इट कैन इवन लीड टू डेथ, तो इसके साथ बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, आज हमने नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में से उसे ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको जो क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलरली मिलती रहे, ठीक है। और रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम, क्वेश्चन के बाद प्लीज़ वीडियो पॉज करके एक बार आंसर खुद करने की कोशिश कीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नॉन मेटल विच हैव शाइनी अपेयरेंस, ठीक है। हमने पढ़ा था नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही डल अपेयरेंस होता है उनका, लेकिन एक ऐसे एक्सेप्शन थी, एक ऐसा नॉन मेटल था जिसका शाइनी अपेयरेंस था, वो कौन सा नॉन मेटल था, कोल, सल्फर, आयोडीन या नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों में से कोई भी वो नॉन मेटल नहीं है। द आंसर इज सी आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसका शाइनी अपेयरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स कॉल्ड, कि जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या नन ऑफ द अबव। द आंसर इज हाइड्रोजन क्लोराइड्स, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड्स बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नेम द नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड इन नेचर, ठीक है। हमने नॉन मेटल्स पढ़ा था कि वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल था जो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, एक्सट्रीमली हार्ड इन नेचर, कौन सा था वो, डायमंड, सल्फर, ब्रोमाइन या क्लोरीन, कौन सा नॉन मेटल था, वो था डायमंड, ठीक है। तो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।